IPL 2019 हमलावरों ने मुंबई इंडियन के इस खिलाड़ी की कलाइयां काटी, कहा अब खेलकर दिखा। IPL के शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियन टीम के लिए एक बुरी खबर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुंबई इंडियन टीम के स्टैंड बॉय प्लेयर प्रशांत तिवारी पर होली की शाम करीब 4 बजे जानलेवा हमला हुआ है। आरोप है कि हमलावरों ने उसके घर में घुसकर उसके भाई के साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, हमलावरों ने प्रशांत के दोनों हाथों की कलाई कांच से काट दी और बोले अब तो खेलकर दिखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रशांत को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार मुंबई इंडियन टीम के स्टैंड बॉय प्लेयर प्रशांत तिवारी अपने परिवार के साथ सिहानी गेट थाना क्षेत्र के मुकुंद नगर में रहते हैं। बता दें कि प्रशांत अपने भाई प्रभात से घर के अंदर तेज आवाज में बातें कर रहे थे। प्रभात ने बताया कि उस समय संदीप और मनदीप अपनी बेलकोनी में खड़े हुए थे। उन्होंने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, इसे लेकर संदीप और मनदीप से कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बलत गई। आरोप है कि संदीप और मनदीप अपने परिवार के साथ उनके घर में घुस गए और प्रशांत और उसके बड़े भाई को घर से खींचकर बाहर ले गए और लाठी डंडों से मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। फिर शराबियों ने शराब की बोतल फोड़कर कर प्रशांत के हाथ की नस काट दी। प्रभात ने संदीप और मनदीप को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। बता दें कि प्रशांत तिवारी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का खिलाड़ी है। उसका हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सिलेक्शन हुआ था। होली के बाद उसे IPL मैचों के लिए मुंबई जाना था। बता दें कि IPL 2019 की शुरुआत शनिवार से हो रही है। यह टूर्नामेंट 51 दिनों तक चलेगा।